नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या होता है। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि त्रुटियां क्या होती हैं, किसी मापक यंत्र की त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे उन्हें दूर करते हैं, क्या उनके कारण होते हैं। त्रुटियों को समझने से पहले हम यहाँ पे दो शब्दों का मतलब समझते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता, इंग्लिश में यथार्थता को कहते हैं एक्यूरेसी, परिशुद्धता को कहते हैं प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो यथार्थता हमारी क्या होती है, जब भी हम कोई अपनी लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं किसी मापक यंत्र के साथ, तो हम क्या करते हैं, 6-7 रीडिंग्स लेते हैं उसकी। तो वो क्यों ली जाती है, उसका कारण ये होता है कि हमारे यंत्र में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। तो यथार्थता हमारी क्या होती है, किसी राशि का मापित मान जो हमने नापा है उसके वास्तविक मान के कितना समीप है, वो हमारी यथार्थता कहलाती है। परिशुद्धता होती है सारे मापित मान एक दूसरे के कितने समीप हैं, सारे मापित मान एक दूसरे के कितने समीप हैं, वो कहलाती है हमारी परिशुद्धता। तो अब इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है। तो यहाँ पे हमने लिया कि हमारे सैनिक हैं, सैनिकों को 4 सैनिक हैं, उन्हें निशाना लगाना है अपने बोर्ड पे। तो ये हमारा लक्ष्य है, सेंटर, लक्ष्य सेंटर पे, केंद्र पे उन्हें गनशॉट मारने। हर एक के पास 4-4 बारी है, हर एक को 4-4 गनशॉट दिए हुए हैं। तो जब पहले फौजी ने मारा तो उसके कहां आए, दूसरे फौजी ने मारा तो उसके क्या आए, तीसरे ने मारा और चौथे ने अपने 4 शॉट मारे। तो अब देखते हैं जो सबसे पहले वाला है उसके 4 शॉट केंद्र के बहुत पास है। तो यथार्थता क्या हुई, किसी राशि का मापित मान, ये लाल डॉट हमारे क्या होंगे, मापित मान जो हमने करे उसके वास्तविक मान, वास्तविक मान था कहाँ, हमें मारना था सेंटर पे, कितना समीप है। तो ये सब हमारे केंद्र के बहुत समीप है। तो इस केस में क्या हुआ, यथार्थता उच्च हुई। इस केस में चेक करते हैं यथार्थता क्या हुई, यहाँ पे भी केंद्र के बहुत पास है सारे के सारे शॉट, जितने भी फौजी एक ने मारे, चलो नाम लेते हैं, 1 फौजी, नंबर 2 फौजी, नंबर 3 4। तो दूसरे फौजी ने जब मारे तो चारों केंद्र के बहुत पास है, तो इस केस में भी क्या हुआ, यथार्थता उच्च हुई। नाउ नेक्स्ट केस में देखो, तीसरे फौजी ने जब मारे तो सारे मान केंद्र से बहुत दूर है, जो वास्तविक मान है उससे बहुत दूर है। तो इसमें क्या हुआ, जितना ज्यादा पास होगा उतना यथार्थ होगा। तो यहाँ यथार्थता हमारी क्या हुई, निम्न। चौथे फौजी ने जब मारा तो उसका क्या हुआ, उसके भी सारे केंद्र से बहुत दूर है। तो यहाँ भी हमारी यथार्थता क्या हुई, यथार्थता निम्न। अब चेक करते हैं कि हमारी परिशुद्धता प्रिसीजन कितना था। तो परिशुद्धता का वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं, वास्तविक मान के पास भी हो सकती है, वास्तविक मान के दूर भी हो सकती है। पर उसमें हम क्या करते हैं कि सारे मापित मान, जितने भी गनशॉट लगाए हमारे फौजी ने, एक दूसरे के कितने समीप हैं। अब यहाँ देखो दूर दूर है, तो यहाँ हमारी परिशुद्धता क्या हुई, निम्न।
यहाँ देखो सारे शॉट एक दूसरे के आसपास है। जब हम परिशुद्धता चेक करेंगे तो हमारा वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ हम बस देखेंगे कि सारे के सारे जो जितने भी हमने रीडिंग्स ली है वो एक दूसरे के कितने समीप है, कितना अंतर है उनमें। तो यहाँ सब एक दूसरे के पास है तो यहाँ हमारी परिशुद्धता क्या हुई? उच्च। यहाँ देखो यहाँ केंद्र से तो बहुत दूर है सारे शॉट, पर एक दूसरे के बहुत पास पास है तो यहाँ भी परिशुद्धता क्या होगी? उच्च। अब यहाँ देखते हैं यहाँ भी केंद्र से दूर है तो यथार्थता हमारी क्या है? निम्न। पर आपस में भी बहुत दूर दूर है सारे तो यहाँ हमारी परिशुद्धता क्या होगी? निम्न। तो अगर देखा जाए सबसे अच्छे शॉट किसने लगाए, यथार्थता में देखें तो सैनिक एक और सैनिक दो ने केंद्र के बहुत पास लगाए। प्रिसीजन में देखें तो सैनिक दो और सैनिक तीन के शॉट बहुत पास पास हैं। तो परिशुद्धता दोनों की उच्च है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो सबसे अच्छे शॉट किस सैनिक ने लगाए? हम कहेंगे सैनिक एक और सैनिक दो। तो ऐसे हम नापते हैं अपनी यथार्थता और परिशुद्धता। एक बार और बता देती हूँ, यथार्थता क्या होती है? मापित मान लालडोट जो हमारे सैनिकों ने शॉट लगाए थे, और केंद्र जहां हमारा निशाना लगाना था हमें, वास्तविक मान एक दूसरे कितने समीप हैं। और परिशुद्धता क्या होती है? सारे के सारे मापित मान एक दूसरे के कितने समीप है वो होती है हमारी परिशुद्धता। अब हम किसी भी मापक यंत्र की जो यथार्थता होती है और परिशुद्धता होती है वो निर्भर करती है उस मापक यंत्र में कितनी अनिश्चितता है, कितनी त्रुटि है, कितनी खामी है उसमें। तो यथार्थता हमारी निर्भर करती है, यथार्थता किसी मापक यंत्र की क्रमबद्ध त्रुटियों पर निर्भर करती है, क्रमबद्ध त्रुटियों, क्रमबद्ध त्रुटियों पर निर्भर करती है। अब ये जो त्रुटियां होती हैं, एक्सप्लेन करेंगे बाद में कि क्या होती है, किस कारण से होती है, कैसे दूर करते हैं। तो जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं वो किसी भी यंत्र में सुनिश्चित रूप से होती है और उन्हें एक सुनियोजित रूप से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। या जैसे आप कभी भी क्या करते हो कि आप जब भी वेट मशीन पे अपना वेट करते हो तो पहले यू मेक श्योर कि हमारा जो वेट मशीन का जो स्केल है, जो डिजिटल वेट मशीन होती है उस पर जो वो स्केल दिखा रहा है वो हमेशा जीरो दिखा। अगर वो जीरो नहीं दिखा रहा तो हमारे मापे गए नाप को क्या हो जाता है? कोई ना कोई उसमें कमी आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उस पहले जीरो को लाने को हम कहते हैं आशंकन, पुनः आशंकन और रीकैलिब्रेशन। सो यथार्थता हमारी किसी भी यंत्र में यथार्थता को पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसकी क्रमबद्ध त्रुटियों को पूर्ण रूप से हटा दें। अब परिशुद्धता किस पे निर्भर करती है? परिशुद्धता हमारी निर्भर करती है किसी यंत्र की आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटियों पर। इन्हें हम कहते हैं रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। इन त्रुटियों पर किसी का भी कोई जोर नहीं होता, ये किसी भी कारण से आ जाती हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। एक दूसरी बात और, परिशुद्धता हमारी निर्भर करती है कि जो हमारा मापक यंत्र है उसकी अल्पतमांक कितनी है। अल्पतमांक पता है? अल्पतमांक जो किसी भी यंत्र का से हम जितना छोटे से छोटा नाप सकते हैं,
वो उसकी अल्पतमांक होती है। तो जैसे हम अपनी स्केल यूज करते हैं, स्केल की अल्पतमांक क्या होती है? 0.1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ऐसे ही हमारे वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक क्या होती है? 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज की क्या होती है? 0.001 सेंटीमीटर। सो अल्पतमांक जितनी कम होगी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। अभी कंफ्यूज मत हो, आगे जाके हम ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है सब कुछ। तो जैसे आपने हमारा किसी ने हमें एक छड़ दे दी और छड़ की लंबाई हमारी क्या बोली उन्होंने? 5.8 6 सेंटीमीटर है हमारी उस छड़ की लंबाई। अब हमने अपना स्केल लिया और नाप दिया, पहली रीडिंग ली वो आई हमारी 5.8, दूसरी रीडिंग ली ये हमने स्केल से ली, फिर हमने वर्नियर कैलिपर्स को यूज करा, हमारी रीडिंग आई 6.2। तो इनमें से कौन सी रीडिंग ज्यादा यथार्थ है? 5.8, क्योंकि वास्तविक मान के बहुत करीब है। पर जो ये 5.62 है ये यथार्थ तो नहीं है, पर इसकी परिशुद्धता उच्च है। क्यों? यहाँ अल्पतमांक क्या है? 0.1 की। यहाँ अल्पतमांक क्या है? 0.01 की। यहाँ ये नाप रहा है 5.8 सेंटीमीटर, यहाँ नाप रहा है 5.62 सेंटीमीटर। तो सार्थक अंकों की संख्या इस नंबर में हमारी ज्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। तो अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमने कहा कि हमारे पास एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल 1 मिनट है। सबने पढ़ा होगा 10th में क्या होता है सरल लोलक। तो इसे हम जब यहां से इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हिला के छोड़ दें तो ये ऐसे 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 मूव करना शुरू करेगा। तो पहले कहां आया? यहां, फिर यहां। तो यहां से यहां गया, फिर यहां, यहां। सो ये पूरी दूरी तय करने में सरल लोलक ने जितना समय लिया उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, और इन्होंने कहा कि वो 1 मिनट है। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। इनसे बोला गया कि भाई इसका आवर्तकाल निकालो। तो इन दोनों ने 4-4 रीडिंग्स ली। पहले वाले ने ली 1.1, 0.9, 1.2 और 1.3। दूसरे वाले ने ली 1.42, 1.43, 4.5, 4.0। तो अब देखो दोनों में से किसकी रीडिंग 1 मिनट के ज्यादा करीब है? एक ही, 1.1, 0.9, 1.2, 1.3। तो इसकी रीडिंग्स हमारी ज्यादा यथार्थ है, यथार्थता के ज्यादा समीप है। इसकी रीडिंग क्या है? 1.42, 1.43, 1.45, 1.40। 1 मिनट से काफी दूर है, 0.4 का डिफरेंस है। यहाँ मैक्सिमम हमारा 0.2 का अंतर है जो हमारा आवर्तकाल है। तो यहाँ यथार्थता क्या हुई हमारी? 0.5। अब चेक करते हैं परिशुद्धता। इनमें अंतर देखो तो कितना है, इन दो में अंतर हुआ हमारा 0.2 का, इनमें अंतर हुआ 0.3 का, इन दोनों में अंतर हो गया 0.1 का। तो इनमें अंतर देख लेते हैं एक दूसरे से कितना है। इन दो को देखो तो 0.01, 0.02, 0.05। तो इन सारी रीडिंग्स में आपस में दूरियां ज्यादा हैं 0.231, यहां आपस में दूरियां कम है 0.01, 0.02 का अंतर है, 0.05 का।
तो इस केस में क्या हुआ, सारी रीडिंग एक दूसरे के आसपास नहीं है, तो परिशुद्धता हुई हमारी निम्न यहां पे, और यहां परिशुद्धता क्या हुई, उच्च हुई यहां पे। तो यथार्थता हमारी होती है कि किसी राशि का मापित मान, ये जो मापित मान है हमारा, ये ले लो, चलो मापित मान वास्तविक मान के कितना समीप है वो उसकी यथार्थता हुई। यहाँ पे क्या है, 1.1 वहां है 1, तो यथार्थता उच्च हुई। परिशुद्धता, सारे मापित मान एक दूसरे के कितना समीप है, यहाँ समीपता ज्यादा है, अंतर इन सब में कम है, तो परिशुद्धता यहाँ उच्च हुई। यथार्थता हमारी निर्भर करती है क्रमबद्ध त्रुटि पर, परिशुद्धता हमारी निर्भर करती है यादृच्छिक त्रुटि पर, या इसे अनियमित त्रुटि भी कह लेते हैं, ज्यादा सिंपल वर्ड है अनियमित त्रुटि। ये त्रुटियां हमारे यंत्र के अंदर होती हैं और किसी सुनिश्चित त्रुटि के कारण होती हैं। इन्हें हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, इसका मतलब हम अपनी यथार्थता पूरा एक्यूरेट मान भी हम ला सकते हैं, जो हमारा वास्तविक मान और मापित मान समान भी हो सकता है। अनियमित त्रुटियां वो त्रुटियां होती हैं जिन पे हमारा कोई भी जोर, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सो परिशुद्धता को उच्च करने के लिए इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इन्हें घटाया भी जा सकता है और नहीं भी। तो कभी हमें रीजन पता होता है कि हाँ इस रीजन, इस कारण की वजह से ये कमी हुई है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, पर जब हमें कारण ही नहीं पता हो तो हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। तो परिशुद्धता हमारी एक और बात पे निर्भर करती है जो मैंने बताई थी, अल्पतमांक जितनी कम होगी परिशुद्धता उतनी उच्च होगी। नोट में लिख सकते हैं, अल्पतमांक और परिशुद्धता एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं, ये जितनी कम ये उतनी ज्यादा, ये जितनी ज्यादा ये उतनी कम। तो ये हुआ हमारा यथार्थता और परिशुद्धता। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार और धीरे से बता देते हैं, यथार्थता हमारा क्या है, मापित मान और वास्तविक मान दोनों एक दूसरे के कितना पास है। परिशुद्धता क्या है, जितनी रीडिंग्स ली है वो सारी रीडिंग्स एक दूसरे के कितने पास है, वो हमारी परिशुद्धता कहलाती है।